हेलो गाइस, कैसे आप लोग। पिछले वीडियो में हमने जेड एंड ग्रुप देखा, आज हम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दो आपके ऑप्शन डिस्कस किए गए जो कि आपके लिए न्यू होंगे। पहला है एडिशन मॉडुलो 6, दूसरा ऑप्शन है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। ओके, एडिशन मॉडुलो तो मैं आपको पिछले वीडियो में समझा चुका हूँ, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो अभी तक मैंने नहीं बताया, लेकिन चलिए आज दोनों को ही एक साथ देख लेते हैं जिससे आप कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाएं। ओके, और ये जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, प्रकाशन केंद्र की बुक का है, क्वेश्चन नंबर 6। ओके, चलिए देखते हैं ऑपरेशन क्या है। एडिशन मॉडुलो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, सपोज कोई दो एलिमेंट हैं ए बी किसी सेट जी के। ओके, देन ए एडिशन मॉडुलो 6 बी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा आर, जो कि क्या होगा रिमाइंडर होगा जब आप ए प्लस बी को 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, सो ये जो आपका आर है क्या है, लिख देता हूं मैं, आर इज रिमाइंडर व्हेन ए प्लस बी इज डिवाइडेड बाय 6। ओके ओके, और मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, वो आपका हो जाएगा ए मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 बी, ये भी आपका क्या होगा रिमाइंडर आर, और आर क्या होगा मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, ये आपका हो जाएगा आर इज रिमाइंडर व्हेन ए इंटू बी इज डिवाइडेड बाय 6। ओके ओके, अब यहाँ पर कुछ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होंगे, अगर उन्होंने मेरा वीडियो देखा हो कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड ए कॉन्ग्रुएंस बी। ओके, तो हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजन हो, तो मैं उस ऑपरेशन को भी आपको यहाँ समझा देता हूँ। ओके, सो ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो अगर 6 होगा तो ये क्या होगा, है ना, इसका मतलब आपका होता है, इसका मतलब होता है व्हेन 6 डिवाइड्स ए रिमाइंडर इज बी। ओके, तो आप तीनों रिलेशन को देख लीजिए, तीनों ऑपरेशन को आप समझ लीजिए, इनमें जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है आप यहां से समझ सकते हैं। ओके, चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए पहले इसे हम इरेज कर लेते हैं जो हमारा एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम। क्वेश्चन में आपके पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, देन हमें प्रूव करना है कि अंडर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। सेकंड पार्ट में हमें प्रूव करना है क्या अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 क्या ये ग्रुप फॉर्म करेगा। ओके, सिंपल छोटा सा क्वेश्चन है और इसका आंसर मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये आपका ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। क्यों नहीं फॉर्म करेगा, देखिए, फर्स्ट पार्ट के लिए आपका क्या हो जाएगा एक्सप्लेनेशन, आप सेट के कोई दो एलिमेंट उठाइए, मैंने उठाया 1 एंड 5। ओके, दोनों के बीच आप ऑपरेट करिए, जो भी आपका ऑपरेशन है, ऑपरेशन है आपका एडिशन मॉडुलो 6। ओके, सो 1 एडिशन मॉडुलो 6, 5 क्या हो जाएगा 1 प्लस 5 यानी 6, और जब आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर क्या मिलेगा 0। ओके, सो ये आपका हो जाएगा, लिखूंगा मैं 6, उसके ऊपर बार लगा दे रहा हूँ, बार नोटेशन हो गया कि आपको मॉडुलो लेना है। ओके, सो 6 बार। ओके, सो जब आप 6 को 6 से डिवाइड करेंगे आपको रिमाइंडर क्या मिल जाएगा 0। ओके, लेकिन ये जो आपका एलिमेंट है आपके सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है ना, सेट में आपके कौन कौन से एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 0 तो है नहीं, यानी कि ये जो आपका ऑपरेशन है ये क्लोज्ड नहीं है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए आपका ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा। ओके, सो दैट मीन्स सेट आपका 1, 2, 3, 4, 5 अंडर ऑपरेशन एडिशन मॉडुलो 6 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ओके ओके, अब सेकेंड पार्ट के लिए करते हैं, सेकेंड पार्ट के लिए भी आपका ग्रुप फॉर्म नहीं करेगा, देखिए कैसे। हमने कोई दो एलिमेंट ले लिए सेट के, हमने लिया 2 एंड 3। ओके, ऑपरेशन क्या है मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6। ओके, सो आपका मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6, आप मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 2 और 3 का 6।
ओके, 6 के ऊपर बार, दैट मीन्स हमें मॉडुलो लेना है। सो जब हम 6 को 6 से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर क्या मिल जाएगा, 0। ओके, और 0 आपका उस सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। ओके, दैट मीन्स ये ऑपरेशन भी आपका क्लोज्ड नहीं है, है ना। दैट मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी आपको होल्ड नहीं कर रही है। तो आपका जो सेट है 1, 2, 3, 4, 5 अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन से, अंडर ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 6 डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। ओके, ओके, समझ गया। ओके, सो आज का वीडियो यहीं तक। आज की वीडियो हमने दो ऑपरेशन देखे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और जिन बच्चों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम बीएससी मैथ्स फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा सिलेबस यहाँ फिनिश कराने वाले हैं। और अगर आपको एक्सरसाइज में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।